छात्र जीवन में मरिया जी का शिष्य रहा हूँ। मेरे उनके बहुत अच्छे संबंध भी थे, हमारे बड़े थे। उन्होंने बहुत समझिए कि आज़ादी के बाद की नई पीढ़ी को उस आदमी से ज़्यादा किसी ने प्रभावित नहीं किया, किसी ने उद्वेलित नहीं किया। सारे उत्तर भारत का छात्र आंदोलन डॉक्टर लोहिया की देन, और हमने गांधी जी को लोहिया जी की निगाह से जाना। लोहिया का ये कहना था कि गांधी को गोडसे ने तो मारा शरीर से, और जो गांधी के असल उत्तराधिकारी थे राजनीतिक लोग, उन्होंने मारा गांधी को आत्मा से। उन्होंने गांधी के जो उनकी जो खूबियां थी उनको भुला दिया और गांधी को सिर्फ चरखा बना दिया। लोहिया का ये कहना था कि गांधी की सबसे बड़ी देन थी दुनिया को, वो थी सत्याग्रह, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की। और इन्होंने जिनके राज बने, सरकारें बनी, अपनी सहूलियत के लिए ये कह दिया कि अब तो अंग्रेज चले गए, अब हमें किसी के खिलाफ लड़ने की क्या जरूरत है, अब हमें क्यों जेल जाना चाहिए, क्यों विरोध करना चाहिए, क्यों सत्याग्रह करना चाहिए। लेकिन लोहिया, और उस वक्त वो अकेली आवाज थी देश में, लेकिन वो खड़ा हो गया और सत्याग्रह, जेल, ये वो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ की आज़ादी की लड़ाई का सत्याग्रह भी लोहिया जी ने ही शुरू किया। और मुझे इस बात का फख्र है, मेरे राजनीतिक गुरु तो असल में मधु लिमय थे, जिनको यहाँ आंदोलन करते हुए 14 साल की सजा बोली गई थी। वो तो आज़ाद हो गया गोवा, इस बीच में छूट गए, वरना 14 साल जेल में रहते। तो ये लोग थे जो गांधी को जी रहे थे, कुछ लोग गांधी को खा रहे थे, कुछ लोग गांधी को जी रहे थे।